अस्सलामुअलैकुम जी। तो नया दिन इन मॉस्को सिटी ऑफ रशिया। तो अभी हम हैं अर्बन स्ट्रीट में और हमारा जो होस्टल है वो बिल्कुल पीछे है, लाइक 2 मिनट की वॉक पर है। और अब हम जरा खाने के लिए जा रहे हैं कुछ देर ढूंढने। यहाँ पर अर्बन स्ट्रीट है, यहाँ पर काफ़ी हलाल खाना भी मिल जाता है, लाइक तुर्की रेस्टोरेंट काफ़ी हैं। शवारमा मिल जाएगा आपको, डोनर मिल जाएगा, और ये काफ़ी यहाँ की मशहूर स्ट्रीट है। लाइक अगर आप तुर्की में गए तो वहाँ भी शिमला स्ट्रीट है, एक सिमिलर काफ़ी लंबी स्ट्रीट है। तो हम यहाँ से कुछ खाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे। और ये भी शवारमा वगैरह आपको दिखाई दे रहा हो, ये भी शवारमा लगाता है, शवारमा कबाब वगैरह। और एक वो मतलब हमने यहाँ से भी ट्राई किया था मैंने, और आप मैंने वहाँ ट्राई किया था मगर मुझे इसका पसंद नहीं आया था, तो इनका ज़्यादा बेटर था। उसके बाद फिर आगे चलते हमने अपने किया तो माली है यार ब्रेकफास्ट। और अभी हम दोबारा स्ट्रीट पर, और ये हमारा लास्ट डे है इन मॉस्को। कल हमें जाना है सेंट पीटर्सबर्ग, उसके लिए बैग लेनी है। तो सेंट पीटर्सबर्ग के लिए हमें लेनी है ट्रेन टिकट। तो अभी हम वो मैप से सर्च कर रहा था कि कौन सा स्टेशन है, कहाँ से मिलेगी या क्या प्रोसेस है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ अपडेट करूँगा। बाकी आप न्यूज जो है आज सर्दी काफ़ी है, कल से ज़्यादा है। अभी कल लेकिन के बारिश भी हुई थी मगर सर्दी कम थी, मतलब कि गर्मी थी ठीक थी, सर्दी थी। आज बारिश तो नहीं हुई मगर मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो मैंने हाफ बाजू पहनी हुई है और जिससे भर रहा है मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा जाना पड़ेगा। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेन स्टेशन जहाँ से हम लेंगे टिकट सेंट पीटर्सबर्ग की। और बाकी होता है तो आपको अपडेट करता हूँ। वो सामने है जी यूनिकॉर्न हॉल। ये यहाँ पे अगर आप मेरे राइट साइड पर देखें तो ये यहाँ के आई थिंक जो फेमस लोग थे उनके बारे में लिखा हुआ है। बट द इशू इज के हाँ ये इंग्लिश में भी है और उसमें भी है रशियन में भी। एक जनरल था, एक चोर था, ये पेंटर लग रहा है, ये भी दूसरा बंदा था, ये पायलट था, ये भी लड़ाई रहेगी किस तरह किसे, ये भी जनरल था। तो इस तरह के डिफरेंट जो लोग हैं हिस्ट्री के रिलेटेड या जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा या जिन्होंने उनको ट्रिब्यूट किया होगा, उस साइड पर भी ऐसे ही है। सामने कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ड्यू टू कोविड यहाँ पे सब कुछ 11 बजे बंद हो जाता है। तो चीज से सीन अप बताओ, ये कह रहे हैं कि फिर से अलाउ कर रहे हैं फॉर वैक्सीनेटेड पीपल, लेट्स सी। ये जी यहाँ की जंगे जुंगों का कुछ सीन दिखाया हुआ है इन्होंने, वर्ल्ड वॉर पता नहीं 1 थी 2 थी कौन सी थी आई डोंट नो। तो हमने अपनी साइकिल की जो सर्विस का वैल्यू कर ली है और देख मुझे पता नहीं है कि ये वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में यही वाली साइकिल सर्विस है या नहीं है। तो अभी यहाँ से जहाँ पे हम थे अर्बन स्ट्रीट में, वहाँ से जो ट्रेन स्टेशन है वो था 6 किलोमीटर। तो बसें देखी, 2-3 बसें थी, ट्रेन करनी पड़नी थी या फिर मेट्रो लेनी पड़नी थी। तो हमने कहा कल वाली साइकिल दोबारा शुरू की जाए। और आज मौसम भी काफ़ी ठंडा है, तो मौसम को भी इंजॉय करेंगे। तो आज के हमने दिया है 155 लेवल पर डे के हिसाब से, और 30 मिनट के लिए ये राइड वाली होगी और 30 मिनट के बाद हम दोबारा से उसको चेंज कर लेंगे। और बाकी वहाँ पर जाकर मैं आपको बताता हूँ कि टिकट कितने का है, क्या चार्जेज हैं। Thank you.
और आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हवा चल रही है, तो आई डोंट नो अगर आपको आवाज़ में ज़्यादा शोर है या नहीं है, क्योंकि मैं तो उसमें देख सकता, बट जैसी भी होगी अपलोड कर दूँगा बाकी किस्मत हमारी। तो हमारा टाइम तकरीबन 25 मिनट या 20 मिनट हो चुके थे, और हमने आना था उसी साइड पर, और दरमियान में वो मेट्रो का स्टेशन था, तो वहाँ पे एक बाइक का स्टेशन था, हमने बाइक लगा दी वहाँ पर, और अब हम दूसरी साइड पर आ चुके हैं। तो अभी सामने एक और स्टेशन है बाइक का, तो वहाँ से हम बाइसाइकिल दोबारा लेंगे और अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी फेमस प्लेस है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि हमें अभी आगे जाना है, तो हम वहाँ पे इतना रुके नहीं है, टाइम मिला तो वापसी में आपको दिखाऊंगा। जहाँ पे रात के पौधे साल हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ रात आपको अपडेट करता हूँ, कितने की टिकट है, क्या चार्जेस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, यहाँ से देखा बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ, आप जा रही देखेंगे थोड़ी बड़ी चीज तरीके का चल रहा है। यूके में काम यू के नहीं किया, और क्या रीजन थी ये मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले हम देख लेंगे। तो ये भी ट्रेन स्टेशन है, वो ऑपोजिट साइड में भी ट्रेन स्टेशन है, बताते हैं कि हमने क्यों नहीं टिकट ली। अच्छा जी, तो
रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए और आगे आपको बताया कि हमने टिकट परचेज नहीं की। इसकी दो तीन रीजन है। एक तो ये है कि अच्छा वहाँ पे अंदर जो सीन है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि लैंग्वेज का इशू है, इंग्लिश किसी को नहीं आती। और दूसरा यहाँ पे जितने भी लाइक वो टिकट काउंटर पे बैठे हुए थे वो लाइक 50 to 60 अबव थे फीमेल्स ना। तो अब पहले वाले काउंटर पे गया तो उसको तो इंग्लिश में पूछा कि भाई डू यू स्पीक इंग्लिश, उसने ऐसे हाथ उतार दिए कि भाई को चक्कर नहीं था। तो खैर दूसरे के पास गया, उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी। हाउएवर आई मैंने ट्रांसलेटर खोला, गूगल ट्रांसलेट ऐप जो है उसमें लिखा कि भाई सेंट पीटर्सबर्ग के लिए जाना है, कल की डेट ऊपर लिखी और लिखा कि मुझे रेट्स वगैरह दे दें या टाइमिंग बता दें। तो अब वो मुझे 2 मिनट घोटती रही, फिर उसने कहा, फिर उसने एक पर्ची निकाली, उसके ऊपर उसने कहा लिखो। अब मुझे पता नहीं था कि क्या लिखना है, इवन कि मैंने खैर मैंने टाइम लिख दिया कि 12 बजे से लेके रात 23:99 तक, 59 लिखना था 99 लिख दिया। तो वो लिख दिया, अब उसको वापस दिया, वो फिर मुझे देखने लग पड़ी। उसने फिर आ गया, हाथ में लाए अपने, खैर थोड़ी देर बाद वो कुछ लिखना शुरू हो गई और उसने फिर मुझे एक पर्ची सी दे दी जो कि ये रही। अच्छा इसके मुताबिक यहाँ पे उसने टिकट के रेट 1 वे का है सिंगल पर्सन का 4200 रबल से लेके, ये सबसे महंगी जो टिकट है 4200 रबल की है, और जो सबसे सस्ती है वो 1500 की है। तो जो 4200 की थी वो थी तकरीबन 13 बजे, लाइक 1 बजे यहाँ से जाएगी और 17 बजे, लाइक 5 या 6 बजे के बाद वहाँ पे पहुँचेगी, 5:25 पे। तो ये 4200 की है, लाइक पाकिस्तानी लगाए तो तकरीबन 9000 बचता है। और जो सबसे वाली सस्ती थी ना वो थी 1500 की, वो तो रात के 11:30 बजे यहाँ 10:30 बजे यहाँ से जानी थी, तो सुबह के 6:30 बजे वहाँ पे पहुँचनी थी। लाइक 9 आवर्स का ट्रिप था, 9 घंटे का ट्रिप था, और ये 1500 से लेके 2200 रुपये तक की टिकट थी। अब 9 घंटे हमें ट्रेन में रहना पड़ना था, जो फास्टेस्ट था वो थी 4.5 घंटे की, और उसका रेट भी तो था ना 4200, लाइक पाकिस्तानी 9000 रुपये ना। तो ये काफ़ी महंगा लगा मुझे। फिर मैंने चिपका चले चेक करता हूँ ऑनलाइन में एयरलाइन की टिकट, तो ऑनलाइन एयरलाइन की टिकट चेक की तो पीतो का क्या नाम था उसका, हेलो अच्छा नेट पे थोड़ी सी रिसर्च के बाद ना ये है एक कोबेदा एयरलाइन मिली है। ये इनका जो रेट था कल का वो हमें मिला है एयरलाइन का, 1 घंटे में 1.5 घंटे में पहुंच जाएगी हमें सीट फीचर्स पर, उसका रेट था 1499। मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा, लाइक हमारा टाइम भी बच जाएगा और सस्ती भी थी यार, मुझे पता नहीं था इतनी सस्ती है, नहीं तो मैं यहाँ पे ना आता। लाइक यहाँ पे हम 9 किलोमीटर आए हैं, 6 किलोमीटर मैं भी दिखा रहा था मगर हमने गलत रूट ले लिया, तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आके यहाँ पे आने के बाद पता चला भी हम अपनी ना टिकट ही नहीं ले सकते, लाइक महंगी है या फिर उनकी जो भी रीजन थी जो मैंने आपको बताई है। तो अभी हम वापस आ चुके हैं इस पे बाइक स्टेशन पे, बाइक लेके जाएंगे। अब जो बाइक हमने खड़ी की थी ना ये बाइक वो नहीं है, ले गए तो हमें दूसरी वाली खड़ी पड़ेगी। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ आगे जाकर। हाँ जी बैंक साइकिल, साइकिल का एक हुआ है कि इन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, जब मैं साइकिल लेने की ट्राई कर रहा था वहाँ पर लिखा आ रहा था कॉल सर्विस सेंटर। तो लाइक अगर आपने कल की टिकट लेनी है तो आपको जाहिर सी बात है महंगी पड़ती है, ये दुनिया हर जगह पर है, मगर यहाँ पे पता नहीं क्या सीन है, यहाँ पर महंगा नहीं शो करवा रहा था, लाइक 1500 दिखा रहा था, या फिर वो महंगा हो और टिकट सस्ती हो, आई डोंट नो, बट 1500 किसने बन गया पता नहीं, 3000 या 3200 बने गए, वेरी गुड। लाइक अगर आप ट्रेन से कंपेयर करो तो काफ़ी बेटर है, अनलेस यू वांट टू एंजॉय द ट्रिप, क्योंकि 4 घंटे से लेके 9 घंटे की है तो आपके लिए मतलब कि बेटर है। अगर आपने जो सफ़र करना है
एग्जाम पे जाना था, मैंने टिकट मैंने इसलिए नहीं परचेज की थी, मुझे लगा था सुबह आया तो महंगी होगा, वहाँ पे चेक कर लेता तो मेरा टाइम भी बच जाता।